मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा पांचवी लिस्ट जारी की गई, जिसमें जबलपुर उत्तर मध्य से भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे का नाम उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया। नाम घोषित किए जाने के बाद उत्तर मध्य विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई। नाराज कार्यकर्ताओं ने भाजपा संभागीय कार्यालय जबलपुर में जमकर हंगामा किया। एक तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी थी तो दूसरी तरफ देर रात नाम घोषित होने के बाद उत्तर मध्य विधानसभा के उम्मीदवार अभिलाष पांडे जबलपुर में स्थित बगलामुखी मंदिर पहुंचे और राजराजेश्वरी बगलामुखी माता के दर्शन किए। पत्रकारों से बातचीत में अभिलाष पांडे ने कहा कि मैं कोई अफगानिस्तान या पाकिस्तान से नहीं आया, मैं तो आपके ही बीच का बेटा हूँ। आज के बाद इस विधानसभा का प्रत्याशी उत्तर मध्य का एक कार्यकर्ता है। पत्रकारों ने सवाल करते हुए कहा कि भाजपा उम्मीदवार के रूप में आपका नाम घोषित होने के बाद काफी विरोध और हंगामा हुआ। इस पर अभिलाष पांडे ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और जबलपुर शहर के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने एक ऐसे सामान्य कार्यकर्ता को, जो सामान्य से भी सामान्य कार्यकर्ता है, बहुत सामान्य परिस्थिति का भी हूं मैं और एक कार्यकर्ता के भाव से मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूं। लगभग 22.5 साल से मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। मैं अपने सभी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और इसी तरह से जो आपने मुझ पर विश्वास हमेशा से जताते आए हैं, जिस भूमिका का आपने मुझे निर्वहन का आदेश दिया है, मैं उसका अक्षरशः पालन करते हुए और जनता की सेवा करने के लिए अभी आपने मुझे उत्तर मध्य विधानसभा में भेजा है, मैं पूर्ण तन्मयता, मनोयोग और लगन से लगकर हमारे सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद के साथ, सभी मातृशक्ति के आशीर्वाद के साथ और युवा नौजवान साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र की जनता की सेवा का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पर काम भी। मध्य विधानसभा क्षेत्र में जो महाभारत छिड़ा है, इससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो जितने भी वरिष्ठ जन हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, और साथ ही मैं तो परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, इसलिए सबसे छोटे सदस्य के रूप से मैं हमारे सभी वरिष्ठों के लिए और इस विधानसभा के अंदर, मैंने वर्षों तक जब भी चुनाव, चाहे शरद जी लड़े हों, चाहे उसके पहले कोई और भी लड़े हों, चाहे लोकसभा में राकेश सिंह जी लड़ रहे हों, चाहे पश्चिम विधानसभा में भी राकेश सिंह जी लड़े, हम सभी मिलकर मैं कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर काम करने वाला कार्यकर्ता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास कि मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सबके मार्गदर्शन में, सबके नेतृत्व में ये चुनाव होने वाला है। और आज मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि इस विधानसभा के अंदर उम्मीदवार अभिलाष पांडे नहीं है, उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता है और हम सब कार्यकर्ता, कार्यकर्ता भाव के साथ हम सब मिलकर जनता की सेवा के लिए काम करने वाले हैं। देखिए, मुद्दा विकास, विकास और सिर्फ विकास है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हम सब लोगों ने काम किया है, साथ ही मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को जिताना और यहाँ से कमल का फूल खिलाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तर मध्य विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के मनोबल के आधार पर कंधे से कंधा मिलाकर हम एक बार पुनः उत्तर मध्य विधानसभा में कमल का फूल खिलाने वाले हैं। देखिए, बाहरी प्रत्याशी कोई, मैं अफगानिस्तान पाकिस्तान से थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो आपके बीच का ही हूँ, आपका बेटा हूँ और आपके बीच में ही तो मैं काम करता हूँ, इसलिए आपके बीच का बेटा हूँ, आपके बीच में काम करता हूँ और मैं कहीं कोई विदेश से नहीं आया हूँ, इसलिए मैं आपका बेटा हूँ, आपके साथ हमेशा से मैं कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा, भविष्य में भी काम करूँगा। और आज के बाद तो मैं तो ये कहता हूँ कि इस विधानसभा का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का एक एक उत्तर मध्य विधानसभा का कार्यकर्ता। वी डी शर्मा के खिलाफ भी आज नारेबाजी हुई है, आपके बहाने कहा जा रहा है कि मुझे इस विषय की अभी जानकारी नहीं पहुंची है। केंद्रीय मंत्री के साथ आज सारी हदें जो है वो पार हो गई, आज इतना बवाल मचा है। मैं एक्चुअली अभी आज मेरी कुलदेवी का पूजन था, मैं उस स्थान पे गया था, मैं अभी वहाँ से आकर सीधा माँ बगलामुखी, और मैं यहाँ इस मंदिर में लगभग ये प्रयास करता हूँ कि रोज आता हूँ,
इसलिए आज इस माई को प्रणाम करके अब नर्मदा माई को प्रणाम करूंगा। अब आगे की रणनीति और आगे के काम को हम वरिष्ठों के साथ मिलकर तय करेंगे। 2018 में भी बीजेपी इसी बगावत के चलते हारी थी, फिर से 2013 में वो रिपीट हो रही है। आप चिंता नहीं करिए, कोई बगावत जैसी स्थिति नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं परिवार का सबसे छोटा बेटा हूँ और अपने सब वरिष्ठों के साथ मिलकर सबके आशीर्वाद से ही चुनाव लड़ूंगा। आपको उत्तर मध्य से टिकट मिला है, उत्तर मध्य के लोग आपका विरोध कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं परिवार का सबसे छोटा बेटा हूं और सबके आशीर्वाद से काम करूंगा।